हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यू नेट जे पेपर वन के लिए हैं ऑलरेडी इसकी क्लास वन हम कर चुके हैं ये इसकी क्लास टू है कंप्यूटर की अभी शुरू करते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे और हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम टेन जो सेकंड्स देते हैं वो वाला नहीं कंटिन्यू करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करने की याद करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है आपके पास कि अ कलेक्शन ऑफ कार्ड इज़ कॉल्ड जो कलेक्शन ऑफ कार्ड होता है कार्ड का कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर में जो कार्ड का कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं जैसे कि पहला दिया हुआ है कि हम उसे ग्राफिक रो कहते हैं या फिर हम उसे डेक कहते हैं या फिर सी आर टी कहते हैं या फिर रीडर कोड्स कहते हैं या फिर नन कहते हैं ठीक है थीके? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू डेक तो अ कलेक्शन ऑफ़ कार्ड्स कलेक्शन ऑफ़ कार्ड को हम डेक कहते हैं क्या कहते हैं हम कलेक्शन ऑफ़ कार्ड्स को डेक अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है आंसर सामने आ ही गया है आपके पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं द साइज़ ऑफ द कंप्यूटर इज़ ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑन इट्स मेमोरी जो कंप्यूटर का साइज़ होता है वो ऑफन कैसे मेज़र किया जाता है कौन से नंबर में मेज़र किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर मतलब इनका कहने का मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर नंबरिंग के फॉर्म में कंप्यूटर के साइज को मेज़र किया जाता है ऑन इट्स मेमोरी ठीक है इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं पहला ऑप्शन है बाइट्स के रूप में किया जाता है या फिर स्टोरेज लोकेशन में किया जाता है या फिर के बी या फिर मेगा में या फिर नन तो इसका सही आंसर होगा स्टोरेज लोकेशन में क्योंकि यहाँ पे आपसे नंबर नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि कहाँ किया जाता है साइज जो है कंप्यूटर का ऑफन वो टर्म्स ऑफ नंबर में मेज़र होता है मेमोरी के अंदर तो वो किस जगह किया जाता है वो किया जाता है स्टोरेज लोकेशन में अभी बात करते हैं आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन द नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन जो स्टोरेज लोकेशन का नंबर होता है वो इज़ ऑलवेज़ अ मल्टीपल ऑफ़ वो किसका मल्टीपल होता है जो स्टोरेज लोकेशन का नंबर होता है वो किसका मल्टीपल होता है आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं पहला दिया हुआ है कि वो बाइनरी डिजिट्स का होता है या फिर वो बाइट का मल्टीपल होता है या फिर वो के का होता है आ, किलो बाइट होगा ये वन ज़ीरो टू फोर इसकी वैल्यू होती है नेक्स्ट है मेगा बाइट का होता है या फिर नन का होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री मेगा बाइट तो जो नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशंस हैं वो ऑलवेज मल्टीपल होते हैं नंबर सॉरी मेगा बाइट्स के नंबर बाइट नहीं है ये मेगा बाइट्स है आगे बढ़ते हैं Uh, जो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है वो है कि जो डाटा और हैं, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इन डैश फॉर्म किस फॉर्म में डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनसाइड द कंप्यूटर द रिज़ल्ट विल बी प्रिंटेड ओनली इन डैश सिस्टम और जो रिज़ल्ट होता है वो कौन से सिस्टम में प्रिंट किया जाता है तो जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो कौन से फॉर्म में इनसाइड द कंप्यूटर होते हैं और जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट किया जाता है कौन से सिस्टम में तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं डेसिमल डेसिमल नन तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री बाइनरी डेसिमल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इन बाइनरी फॉर्म इंसाइड द कंप्यूटर द रिज़ल्ट विल बी प्रिंटेड ओनली इन डेसिमल फॉर्म जब बाइनरी फॉर्म में डाटा और इंस्ट्रक्शंस होंगे तो रिजल्ट किस में आएगा डेसिमल फॉर्म में आएगा डेसिमल सिस्टम में आएगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज अ यूनिट व्हिच रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑन कार्ड्स कौन सी यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करती है रिजल्ट को कंप्यूटर के कंप्यूटर के रिजल्ट को कार्ड्स पे आपको यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं पहला दिया हुआ है लाइन प्रिंटर दूसरा दिया हुआ है कार्ड पंच तीसरा दिया हुआ है कार्ड स्टैकर या ऑल ऑफ दीज या फिर नन मतलब हमें यह बताना है कि कौन सी यूनिट रिप्रेजेंट करती है रिजल्ट को ऑफ द कंप्यूटर ऑन कार्ड्स तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू कार्ड पंच ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैग्नेटिक टेप यूनिट इज अ मैग्नेटिक टेप यूनिट क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं डायरेक्ट असेस या एक्सेस डिवाइस है या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है या फिर रनिंग एक्सेस डिवाइस है या फिर ऑल ऑफ दीज है या फिर नन है तो हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक टेप यूनिट है क्या तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू ये सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है मैग्नेटिक टेप यूनिट क्या है मैग्नेटिक टेप यूनिट सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द क्लोजनेस ऑफ द करेक्टर्स रिकॉर्डेड ऑन द टेप इस कॉल द जो क्लोजनेस होती है करेक्टर्स की जो कि रिकॉर्डेड होते हैं टेप पे उनको क्या कहते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं कैपेसिटी ऑफ टेप कहते हैं या फिर डेंसिटी ऑफ द टेप कहते हैं या फिर कैपेसिटी ऑफ द टेप ये जो थर्ड ऑप्शन है वो सेम ही दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट है बोथ वन एंड टू या फिर नन तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू डेंसिटी ऑफ टेप कहते हैं जो क्लोजनेस होती है करेक्टर्स की रिकॉर्डेड जो होते हैं टेप पे उनको हम डेंसिटी ऑफ टेप कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास में द एक्सेस टाइम फॉर मैग्नेटिक डिस्क इज़ जो एक्सेस टाइम होता है मैग्नेटिक डिस्क के लिए क्या होता है ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रेटर देन 0.01 पॉइंट ज़ीरो वन बट लेस देन 0.02 पॉइंट जीरो टू सेकेंड दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन 0.01 पॉइंट जीरो वन सेकेंड तीसरा दिया हुआ है ग्रेटर देन 0.01 पॉइंट ज़ीरो वन सेकेंड या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर नन सो so, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू लेस देन 0.01 पॉइंट जीरो वन सेकेंड जो एक्सेस टाइम होता है मैग्नेटिक डिस्क के लिए वो होता है 0.01 पॉइंट ज़ीरो वन सेकेंड से भी कम अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूजअली डाटा आर रिकॉर्डेड यूजअली जो डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है डैश अलॉन्ग अ सिंगल ट्रैक इन द मैग्नेटिक डिस्क यूनिट यूजअली डाटा आर रिकॉर्डेड डैश किसके साथ में किया जाता है अलॉन्ग अ सिंगल ट्रैक इन द यूनिट। तो मतलब किसके साथ सामने किस वे में किया जाता है बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन दिए हुए जैसे सिक्वेंशियली किया जाता है या फिर सीरियली रिकॉर्ड किया जाता है या पैरल होता है या रेंडम होता है या नन होता है तो हमें ये बताना है कि डाटा जो है वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है सो so इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन सिक्वेंशियली जो डाटा है यहाँ पे वो सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया जाता है अलोंग अ सिंगल ट्रैक इन द मैग्नेटिक डिस्क यूनिट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है डैश इज अ रोटा टेबल सिलेंडर हु सर्फेस इज कोटेड विद अ मैग्नेटिकली सेंसिटिव कंपाउंड इनमें से कौन सा रोटा टेबल सिलेंडर है जिसका सर्फेस कोटेड होता है मैग्नेटिकली सेंसिटिव कंपाउंड से तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि पहला दिया हुआ है मैग्नेटिक ड्रम फिर दिया हुआ है मैग्नेटिक डिस्क यूनिट उसके बाद दिया हुआ है मैग्नेटिक स्ट्रिप फिर कैसेट रिकॉर्डर फिर दिया हुआ है नन तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन मैग्नेटिक ड्रम मैग्नेटिक ड्रम एक रोटा टेबल सिलेंडर है जिसका सरफेस मैग्नेटिकली सेंसिटिव कंपाउंड से कोट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है अ डैश इज अ प्लास्टिक स्ट्रिप अबाउट टू बाय ट्वेल्व इंचेस ऑन विच डाटा आर मैगनेटिकली रिकॉर्डेड इनमें से कौन सी एक प्लास्टिक स्ट्रिप है जो अबाउट टू बाई ट्वेल्व इंचज है जिस पे डाटा को मैग्नेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है सो so, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन मैग्नेटिक स्ट्रिप अ मैगनेटिक स्ट्रिप इज़ अ प्लास्टिक स्ट्रिप अबाउट टू बाई ट्वेल्व इंचज ऑन विच डाटा आर मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है माइक्रो कम्प्यूटर्स हैव फ्राम डैश टू डैश स्टोरेज लोकेशन कितने से कितना स्टोरेज लोकेशन होता है माइक्रो कम्प्यूटर्स का तो यह आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं वन के टू एट के फिर दिया हुआ है एट के टू सिक्सटीन के फिर दिया हुआ है फोर के टू वन सिक्सटी फाइव के उसके बाद दिया हुआ है थ्री के टू फोर के फिर दिया हुआ है नन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर थ्री के टू फोर के नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली मिनी कंप्यूटर्स का कितना स्टोरेज लोकेशन होता है फ्रॉम डैश टू डैश ये आपको बताना है सो so, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं फोर के टू फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के उसके बाद दिया हुआ है थर्टी टू के टू फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के उसके बाद दिया हुआ है वन ट्वेंटी एट के टू फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के और उसके बाद दिया हुआ है फोर के टू वन ट्वेंटी एट के फिर दिया हुआ है नन सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री वन ट्वेंटी एट के टू फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के तो नॉर्मली जो मिनी कंप्यूटर्स हैं उनका जो स्टोरेज लोकेशन होता है वो वन ट्वेंटी एट के टू 512K के होता है अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में नॉर्मली मीडियम साइज कंप्यूटर्स का कितना स्टोरेज लोकेशन होता है आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4K टू 512K, 32K टू 512K, 128K टू 512K, 4K टू 128K और नन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू 32K टू 512K। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ प्रोग्राम फाइल इज़ प्रोग्राम फ़ाइल का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं वन्या डॉट डैट डी ए टी नेक्स्ट दिया हुआ है वन्या डॉट बैस मतलब बी एस उसके बाद दिया हुआ है बोथ वन एंड टू फिर दिया हुआ है निबल और उसके बाद दिया हुआ है नन तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू वन्याट बी एस उसके बाद आगे बढ़ते हैं ये एक प्रोग्राम फाइल का एग्जाम्पल है ओके okay? फिर अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास द डैश कोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन इनमें से कौन सा कोड ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है जैसे कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ओपेरा डी उसके बाद ओ पी लेबल लैग नन सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू ओ पी तो जो ओ पी कोड है वो ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है जैसे कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है द डैश इज़ द एड्रेस ऑफ द डाटा आइटम दैट इज़ टू बी ऑपरेटेड ऑन इनमें से कौन सा एड्रेस है डाटा आइटम का जिसको हमें ऑपरेट करना होता है लाइक like, डैश इज द एड्रेस ऑफ द डाटा आइटम दैट दैट इज टू बी ऑपरेटेड ऑन सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन ओपेरा एंडी ठीक है आगे बढ़ सो so, अगला क्वेश्चन है कि टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस आर रिटर्न बाय मैन्यूफैक्चरर एंड स्टोर्ड इनसाइड द कंपाइलर दिस स्टोर्ड प्रोग्राम इज कोल्ड जो आ, मतलब जब हम कन्वर्ट करते हैं कन्वर्ट करना इंस्ट्रक्शंस को असेंबली लैंग्वेज में और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैनुफेक्चर द्वारा लिखी जाती हैं और कंपाइलर में स्टोर की जाती हैं तो ये स्टोर प्रोग्राम क्या कहलाता है सो so, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या ये आपको असेंबली लैंग्वेज कहलाएगा या फिर असेंबलर कहलाएगा या फिर स्टैंडर्डाइजेशन कहलाएगा या फिर सिम्प्लीफिकेशन कहलाता है या फिर नन तो हमें ये स्टोर सिस्टम के बारे में बताना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू असेंबलर इसको हम असेंबलर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जो फॉर है एफ ओ आर टी आर ए एन डॉट कोबोल डॉट बेसिक डॉट पी एल स्लैश वन एक्सेट्रा इनको क्या कहते हैं ऑप्शनज हैं हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं असेंबली लैंग्वेजेस कहते हैं मशीन लैंग्वेज कहते हैं या फिर नन कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इन सब को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास में जो ओरिजिनल प्रोग्राम्स हैं ओरिजिनल प्रोग्राम्स रिटर्न इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड जो ओरिजिनल प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उनको क्या कहते हैं ऑप्शन है जिसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं या फिर सोर्स प्रोग्राम कहते हैं असेंबलर कहते हैं ऑपरेटिंग प्रोग्राम कहते हैं या कुछ नहीं मतलब इनमें से नन कोई भी नहीं है सो so, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू सोर्स प्रोग्राम कहते हैं जो ओरिजिनल प्रोग्राम लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको हम सोर्स uh, प्रोग्राम कहते हैं सो so, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा